हेलो भाई, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी के में। तो आज हम लोग बहुत ही गंदी समय में आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं क्षेत्र पर, क्योंकि हम लोगों को साइंस के बारे में कुछ नहीं सोचा कि आप लोग क्या बताएं आज। तो आज हम लोग आपको वर्ग के बारे में सूत्र बताएंगे, फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर देना सबसे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए ये देखिए आज वीडियो को। पहला जो आपका आता है वो आता है वर्ग के क्षेत्र पर। पहला आता है वो आता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, वो होता है भुजा गुणे भुजा, जिसे आप लोग बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। क्या आता है? तो भुजा स्क्वायर आता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर आ जाता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा आता है वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब कि वर्ग का परिमाप समझ लीजिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? तो देखिए 4 गुने में 1 भुजा हो जाता है। क्या होता है? तो 4 गुने 1 भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने में 1 भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा। और तीसरा देखिए, तीसरा होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है √2 × 2 में क्या होता है? तो भुजा हो जाता है, इंटू में आपका जाएगा भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 × भुजा हो जाता है। और चौथा देखिए, चौथा देखिए, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? वर्ग की भुजा, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? √क्षेत्रफल। क्षेत्रफल √क्षेत्रफल समझ लीजिए क्या होगा, √क्षेत्रफल। रूट क्षेत्रफल हो जाता है भुजा, वर्ग का भुजा बराबर होता है रूट क्षेत्रफल। अब पांचवा देखिए, पांचवा आता है वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? इसी का होता है मतलब कि भुजा, भुजा तीन भुजा मतलब समझ लीजिए, 3 गो सूत्र होता है भुजा का। तो एक होता है फिर परिमाप बटा में। अब छठा देखिए, छठा एक और आता है वर्ग की भुजा बराबर, तो क्या होगा? तो इसका आता है विकर्ण ये कब आता है, यदि पूछेगा कि विकर्ण की पहली भुजा, तब तो ये विकर्ण बता में √2। तो देखिए वर्ग का क्षेत्र बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × 1 भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा, वर्ग की भुजा बराबर √क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा में 4, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? तो विकर्ण बटा में 2। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन रूट के बारे में, वर्ग के बारे में। देखिए क्या पढ़ रहा है, देखिए बोली दिख रहा होगा आपका स्क्रीन पर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपका सीधा बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करना है आपका? आपको लिख देना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो कितना बोल रहा है? 2.6 बोल रहा है ना, 2.6 ऐसे 2.6 भी बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर ना है। तो कितना होगा देखिए, 2.6 × 2.6 कितना होगा? 6.76, 6.76 सेमो 0² क्या होगा? 6.76 सेमो 0² हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को क्या बोल रहा था, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था। तो भुजा स्क्वायर मतलब कि 2.6 × 2.6 बराबर में 6.76 सेमो स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन,
किसी वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप होगा। क्या पूछ रहा है, किसी वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो पहले आपका पूछ रहा है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना 70 × 70 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 49 सेमी। और फिर क्या पूछा था, वर्ग का परिमाप पूछा था, वर्ग का परिमाप पूछ रहा था, वर्ग का परिमाप पूछ रहा था, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 × 1 भुजा होता है तो 4 × 70 बराबर में कितना हो जाएगा 280 सेमी। पता 4900 सेमी और कितना आ गया 280 सेमी। क्या आया वर्ग का, पहले आपको देखिए क्वेश्चन पढ़िए, किसी वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा जो है वो है 70 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो देखिए वर्ग की क्षेत्रफल बराबर 70 × 70 बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग की परिमाप है तो 4 × 70 बराबर 280 हो जाएगा, तो इसीलिए 400 सेंटीमीटर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, इतना आ गया वर्ग का परिमाप, यही पूछ रहा था आपका। और देखिए तीसरा, देखिए आपको पहले इससे क्लियर कर देना होगा फिर आपको आगे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है तो परिमिति कितना मीटर है। क्या पूछ रहा है, तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो है 36 वर्ग मीटर है तो वर्ग की परिमिति कितना होगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले आपको इसकी भुजा निकालना है, इसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिए वर्ग की पहले आपको क्या करना है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा यहाँ पर आपको लिखना है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये वाला आपको कर देना है ये, और यहाँ पर 36 बराबर में कितना बोले थे आप लोगों को, ये और क्षेत्रफल बोले थे रूट क्षेत्रफल, तो यहाँ पर रूट 36 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 मीटर 6 मीटर आ गया आपका ये। इसीलिए अभी देखिए ये आंसर नहीं है आपको, अभी परिमाप निकालना है, परिमाप, परिमाप बराबर देखिए परिमाप बराबर होता है 4 × 6 बराबर मतलब कि 4 × 1 भुजा तो 6 मीटर आ गया एक भुजा, तो बराबर कितना आएगा 24 मीटर आपका आंसर है, आंसर 24 मीटर कितना आया तो आंसर आ गया 24 मीटर। क्या पूछा था आपका, तो देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है तो परिमिति कितने मीटर है, तो 24 मीटर आ गया, क्योंकि देखिए वर्ग की भुजा पूछा था तो 36 6 मीटर आ गया वर्ग की भुजा, इसकी भुजा है तो एक भुजा तो परिमाप बराबर 4 × 1 भुजा बराबर 4 × 6 बराबर में 24 मीटर। और दूसरा देखिए, देखिए एक और ऐसे ही क्वेश्चन बता देते हैं, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति होगी। तो पहले आपको यही करना है वर्ग की भुजा बराबर क्या करना है आपको, तो इसे कर देना है 196 ले देना है, तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा 14 मीटर आ जाएगा आपका। इसीलिए क्या पूछा है, परिमाप, तो 4 × 14 बराबर में कितना आएगा आपका 56 मीटर आ गया परिमाप। आप दिमाग में आपका आ रहा होगा कैसे बनेगा, भुजा पहले आप निकाल दीजिए तो 196 का 14 मीटर आ जाएगा एक भुजा, तो इसलिए परिमाप तो 4 × 14 बराबर में कितना आएगा 56 मीटर आ जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बाकी हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल आगे बताएंगे ठीक ना। देखिए एक लास्ट पूछ देख लीजिए, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा और परिमाप क्या होगी। ये अटकने वाली सवाल नहीं है, देखिए तो पहले आपको यही भुजा निकालनी है, भुजा और परिमाप पूछ रही है, तो कितना 256 है तो इसका रूट कर 16 मीटर, भुजा गया 16 मीटर, इसीलिए परिमाप पूछा था आपका, परिमाप तो 4 × 16 बराबर में कितना आया था 64 मीटर, इसीलिए आ गया 16 और 64 मीटर आपका आ गया क्या आंसर आ गया। तो समझ सकता हूँ कि इतना आपको जो क्वेश्चन जितना हम लोग आपको बताए हैं उसके कैसे भी क्वेश्चन है आप लोग बना लेंगे,
तो आगे हम लोग इसी के बारे में क्वेश्चन बताएंगे, वर का बहुत ही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो मैं अमन कुमार आपसे अलविदा लेता हूँ, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।